नमस्ते गुरुजी, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। Myself Shreya Banerjee and these are my friends and they are my professors. Sir, we are from Sarya College, Sarya, District Giridih, Jharkhand. The founder of our college was late Mahabir Lal Shetty, sir. So we feel very blessed to be in front of you. So we want to ask you a question, that how to get concentrate in study or focused in our study as we get very easily distracted. Guruji, can you please tell us? Thank you. बहुत बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। सबसे पहले तो मैं एक बार जिन महावीर प्रसाद जी सेठी का उल्लेख इन्होंने किया, वो हमारे समाज के एक बहुत बड़े स्तंभ थे, बड़े समाज सेवी थे। इस पूरे क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। सम्मेद शिखर के लिए तो उनका रोम रोम अर्पित था और गुणायतन के संस्थापकों में भी उनका ऊपर स्थान जाता है। वे शुरू से गुणायतन के निर्देशक रहे। आज वे यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा बोए गए पेड़ आज अपना फल प्रदान कर रहे हैं। निश्चित ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा सुकृत है और लोगों के लिए एक उदाहरण भी है कि हम अपने जीवन में कितना कमाते हैं, जोड़ते हैं, सब छोड़ कर जाते हैं, लेकिन जो अच्छा काम करते हैं वो हमारे लिए स्थाई स्मृति दिलाता है, सबके स्मृति का आधार बनाता है, वही शेष रह जाता है। लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अब मैं उत्तर पे आता हूँ। इन्होंने पूछा है कि हम अपनी स्टडी में फोकस कैसे करें, कंसंट्रेशन कैसे लाएँ। प्रायः स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है कि उनका चित्त बट जाता है। चार बातें मैं तुम जैसे स्टूडेंट्स को सामने रख कर के कहना चाहूँगा कि जब भी हम कोई काम करें तो सबसे पहले अपने लक्ष्य को सामने रखें। जिस मनुष्य का चित्त उसके लक्ष्य से बंध जाता है, उसका चित्त इधर उधर नहीं भागता। हमें अर्जुन बनना चाहिए हर पल। मुझे क्या करना है, केवल वह उसकी धुन हो। मुझे पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करना है, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है, मुझे सीए करना है तो सीए करना है, मुझे आईएएस बनना है तो आईएएस बनना है। जो मेरा लक्ष्य है हर पल वो हमारे सामने होना चाहिए। हमारे साथ गलती क्या होती है कि हम एक साथ अनेक तरफ चित्त बाँट देते हैं और जिसका चित्त पहले से ही बट जाता है वो कभी स्थिरता नहीं रख पाता। तो सबसे पहले हम जो भी करें एक लक्ष्य बना करके चले, वो लक्ष्य सुनिश्चित कर दें कि इतना तो मुझे करना ही है, यही करना है, एक बात। दूसरी बात, जब हम पढ़ने के लिए बैठें तो एक तय करके चले कि इतना चैप्टर पढ़ करके उठना है, इतनी देर तक पढ़ना है, ये चैप्टर पूरा जब तक नहीं होगा मैं अपना स्थान नहीं छोड़ूंगा। कई बार क्या होता है, पढ़ने आप लोग बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं तो बस थोड़े देर बाद मन उछट जाता है, कुछ और कर लो, कुछ और कर लो, तो ध्यान उधर चला जाता है और जब उधर ध्यान चला जाता है तो फिर पढ़ाई एक तरफ धरी रह जाती है। और फिर आज के समय में तो प्रायः सब डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ते 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 थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो गया, स्क्रीन टच हुआ, इधर उधर टच हो गया, उधर खो जाते हैं। बैठे थे स्टडी करने के लिए, खो गए व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, पूरा समय कैसे सरक गया पता ही नहीं चला। नहीं, हमको अपना लक्ष्य सामने रखना चाहिए और टारगेट फिक्स करके बैठना चाहिए, ये टॉपिक मुझे पूरा करके ही उठना है, इतनी देर मुझे पढ़ना ही है, हम पढ़ कर ही दम लेंगे, इसके पहले नहीं, समझ गए? तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा कंसंट्रेशन देगा। दूसरी बात, जब हम पढ़ें तो पेज पलटने से पहले, बल्कि मैं कहूँगा पढ़ें नहीं, स्कैन करें। क्या करें? स्कैन करें। मैंने आज तक किसी भी विषय को याद नहीं किया, ये बात और है कि मुझे बहुत सारी बातें याद है। मैं जितना पढ़ता हूँ याद नहीं करता, पढ़ता क्या हूँ उसको स्कैन करता हूँ, और एक बार माइंड में स्कैन होने के बाद उसको सेव भी कर लेता हूँ
और उसकी मेंटल फाइलिंग ऐसी करता हूँ कि जब चाहता हूँ तभी वो फाइल खिलती है, खुलती है, और जिस फाइल को खोलना चाहता हूँ वही खुलती है। तो ये अभ्यास से हो सकता है। पढ़ो मत, स्कैन करो। स्कैन करने का मतलब ये है, जब आप पढ़ रहे हैं तो पन्ना पलटने से पहले देखो कि यहाँ कहा क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, उसका सार क्या है। उसके पूरे सार को आप अपने माइंड में सेव करो। यहाँ कहने का आशय ये है, ये कहा जा रहा है, और उससे मिला जुला संदर्भित कोई एक टाइटल अपने दिमाग में रख दो कि ये बात इस सेंस में कही गई है। टाइटल आपका अपना ओरिजिन है, वो आपको याद रहेगा तो फिर उससे रिलेटेड सब्जेक्ट भी आपको याद रहेगा। तो स्कैन करना सीखिए। पन्ना तभी पलटिए जब उसका सार आपके पास हो। और मान लीजिए आपने एक घंटे में 15-20 पेज पढ़े हैं, तो पूरे टॉपिक के बाद उसका निचोड़ क्या है उस पर कुछ देर के लिए सोचिए और उसके सार को अपने नोटबुक में लिख दीजिए। आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा आपने पढ़े हुए विषय के लिए, वो हमेशा आपके माइंड में प्रेजेंट रहेगा। अब जब चाहेंगे तब लिख सकते हैं। ये तीसरी बात। और चौथी बात, नियमित ओंकार की नाद कीजिए। गहरी सांस भरकर कम से कम 9 बार ओ इस तरीके से 9 बार करें। और यदि आप लोग भावना योग करो, शायद पहली बार सुने होंगे, लेकिन आप YouTube और प्रमाणिक ऐप पर देखेंगे तो भावना योग मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ने यही इसी मंच से आकर कहा कि वो नियमित भावना योग किए, उससे वो UPSC और PSC में सेलेक्ट हो गए। कुछ बच्चों, एक बच्ची ने तो कहा उसने IIT में 25th रैंक ले आया। डेली दिन में 2 बार भावना योग करते थे। क्यों? जब हम भावना योग करते हैं तो हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, तो रिजल्ट अपने आप अच्छा होगा। चित्त जब उलझा रहता है तो चीज़ें समझ में नहीं आती। चित्त शांत होता है तो कोई चीज़ ऐसी नहीं, हर बात को समझना आसान हो जाता है। तो अपने चित्त को शांत करने के लिए ये भावना योग भी एक अच्छा माध्यम है।